जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ दे। सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस लेके आ गया हूँ। तो गाइज अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस तरह का स्टेटस बनाने वाले हैं। सो गाइज अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग लिरिकल स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो गाइज सबसे पहले आपने कुछ इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने एक बीटमार्क प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना होगा और एक प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीटमार्क प्रोजेक्ट और प्रीसेट एक्सएमएल वगैरह सब का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे गाइस आप बीटमार्क प्रोजेक्ट के लिंक पे क्लिक करोगे, ये रीडायरेक्ट कर देगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर इंपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। अभी बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा कि मेरे बीटमार्क प्रोजेक्ट या एक्सएमएल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो मैं बता देता हूँ गाइस। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ कि मेरे मटेरियल्स या बीटमार्क प्रोजेक्ट एक्सएमएल वगैरह को कैसे इंपोर्ट करते हैं अलाइट मोशन में। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे यहां पर रोज वाली एक पीएनजी मिल जाएगी और यहां पर मैंने लिरिक्स भी लिख कर रखा हुआ है और नीचे आपको सॉन्ग भी देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस यहां से कुछ भी डिलेड हो जाएगा ना, जैसे कि समझ लो कि सॉन्ग ही डिलेड हो गया, तो सॉन्ग को प्लस पे क्लिक करके ऑडियो में आकर व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना, सॉन्ग के ऑप्शन में आ जाना, जहां भी आपने सॉन्ग को डाउनलोड करके रखा होगा प्लस के ऑप्शन में क्लिक करके सॉन्ग को ऐड कर लेना होगा। ओके गाइस, और चाहे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अगर रोज़ भी डिलेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा कलर एंड फील के ऑप्शन में आके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। और गाइस यहाँ पर देखो जो भी मटेरियल्स होता है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाके आप जैसे रोज़ वाली पीएनजी को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद में गाइस यहाँ पर सिंपली अपने गैलरी में आना है और यहाँ पर अपनी रोज़ वाली पीएनजी को हमने सिंपली सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, जैसे सिलेक्ट कर लोगे गाइस यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर कर लेना होगा। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी लिरिक्स की टेक्स्ट जो है गाइस उसको चेंज करना है, यानी फॉन्ट को चेंज करना है। तो यहां तक 11 सेकंड तक अपनी लिरिक्स रहेगी और इसके बाद में इधर जो है गाइस अपनी फोटोज को हम ऐड करेंगे, जिस फोटो से स्टेटस बनाना होगा। तो सबसे पहले भाई आपको लिरिक्स की फॉन्ट को चेंज करना है, तो यहां पर लिरिक्स पे क्लिक कर लेना, एडिट टेक्स्ट में आना, इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना, व्यू ऑल फॉन्ट्स में क्लिक करके थ्री डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना। और सबसे पहले गाइस यहां पर हम फॉन्ट को ऐड करेंगे, तो जहां भी आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा होगा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना, तो यह फॉन्ट ऐड हो जाएगा और ये जो फॉन्ट है आपको यहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत पहले इस फॉन्ट को ऐड किया था तो ये नीचे चला गया होगा, तो मुझे ढूंढने में भी गाइस टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर सर्च में लिख लेना होगा। इस फॉन्ट को नाम है फॉलो मी, देखो यहाँ पे फॉलो मी नाम का ये फॉन्ट मिलेगा। इसे सेलेक्ट करोगे आपकी लिरिक्स की टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, फिर से गाइस आ गया ना, फिर से क्लिक करके एडिट टैक्स में आ जाना, फिर से गाइस यहाँ पर अपनी लिरिक्स की टैक्स को चेंज कर लेना। ठीक है, फिर से गाइस इधर भी कुछ इस तरह से क्लिक करके अपनी लिरिक्स की टैक्स को चेंज कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर चेंज कर लोगे उसके बाद में गाइस इधर जो है ना आपको अपनी फोटोज को अब ऐड कर लेना होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, प्लस पर क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाना होगा। अब जैसे गाइस गैलरी में आएंगे, फोटो को क्लिक करके ऐड कर लेना होगा, थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे इसकी बीट मार्क तक आ जाना, एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लेना होगा। फिर प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना, थ्री डॉट में आके फिर से फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पर आके गाइस फिर से नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना, कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना होगा। सो गाइस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से अपने वीडियो को यानी अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेना होगा एंड तक। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कुछ इमेजेस को ऐड करके दिखा दिया, तो इधर भी आपने कुछ इस तरह से ऐड कर लेना होगा। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लिरिक्स पे और इमेजेस पे इफेक्ट को कैसे लगाना है। तो वीडियो को गाइस कंटिन्यू वॉच करते रहना।
सो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने सभी इमेज को ऐड कर लिया है, तो कुछ इस तरह से आपने भी अपनी इमेज को ऐड कर लेना होगा। अभी इमेज को ऐड करने के बाद में हमने सिंपली बैक होके प्रोजेक्ट में आना है, यानी कि प्रीसेट इफेक्ट में आना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करोगे, उसके बाद में गाइज यहाँ पर एक प्रीसेट इफेक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज ऊपर कुछ HDR इफेक्ट मिलेगा, जो ऑफ है तो उसको ऑफ ही रहने देना। पहले फर्स्ट नंबर में कुछ इस तरह से, सेकेंड, देन यहाँ पर थर्ड, तीन आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले फर्स्ट नंबर को क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और बैक होकर अपनी इस बीट मार प्रोजेक्ट में आना। अब जो पहली वाली जो हमारी फोटो है उसको टैप कर लेना है और यहाँ पे इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो पहले वाली फोटो में कुछ इस तरह से हमने इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा, देख सकते हो। उसके बाद में फिर से हम बैक होकर अपनी उसी प्रीसेट इफेक्ट में आएंगे। अब यहाँ पर सेकंड वाले को क्लिक करना होगा गाइस और इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और अपनी बीटमार प्रोजेक्ट में हमने आ जाना होगा। अब गाइस यहाँ पर देखो, जो हम फर्स्ट में फ़ोटो लगाए हैं इफेक्ट, इसको छोड़ के आगे एक फ़ोटो पे क्लिक करना। अब यहाँ पे इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट करना। अब गाइस इसके बाद में हमने एक फ़ोटो को छोड़ देना है, फिर से नेक्स्ट फोटोज़ को क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। फिर से एक फ़ोटो को छोड़ के फिर से इसकी नेक्स्ट फोटोज़ को क्लिक कर लेना है और इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर लेना। फिर से एक फ़ोटो को छोड़ के इसकी नेक्स्ट फोटोज़ को क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से एक फ़ोटो को छोड़ के इसकी नेक्स्ट फोटोज़ को क्लिक करके पेस्ट कर लेना। सो गाइस कुछ इस तरह से आपने एक एक फ़ोटो को छोड़ देना होगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपने वीडियो की एंड तक इस वाले इफेक्ट को गाइस ऐड कर लेना होगा। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने एंड तक इफेक्ट को ऐड कर दिया होगा। अब हमने बैक होकर फिर से दोबारा प्रीसेट में आना। अब लास्ट में जो प्रीसेट मिलेगा ना गाइस, ये वाला, इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और अपनी उसी बीटमार प्रोजेक्ट में हमने आ जाना होगा। अब देखोगे जो जो फोटो पे हमने इफेक्ट नहीं लगाया, अब उन सभी फोटोज़ को क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से क्लिक करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से इधर भी क्लिक करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। सो गाइस इधर भी क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस इधर भी क्लिक करके आपने ऐसे करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा। तो गाइस सभी इमेजेस पे आपने कुछ इस तरह से क्लिक करके वीडियो की एंड तक एक एक करके सभी इफेक्ट को आपने लगा देना होगा। अब इफेक्ट को लगाने के बाद में हमने बैक होकर अपनी उसी प्रीसेट में आ जाना होगा। जैसे प्रीसेट में आओगे तो ऊपर आपको यहाँ पर जैसे छः इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो ऑफ होगा, तो सबसे पहले उन सभी को ऑन कर लेना। यहाँ पर इसकी आइज वाली जो लोगो जैसे दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑन कर लेना। फिर एक को सिलेक्ट करना, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और सिक्स, तो छः लेयर जो है गाइस इन सभी को सिलेक्ट करके प्लस में आकर कॉपी सिक्स लेयर करके बैक होना है और अपने उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट में हमने आ जाना है। अब जहां से हमारी वीडियोस गाइस प्ले होगा, लिरिक्स प्ले होगा, यहां पे आना है और इस प्लस की ऑप्शन में क्लिक करके पेस्ट सिक्स लेयर पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करोगे गाइस ये ऐड हो जाएगा और इसकी ड्यूरेशन मैंने पहले से यहीं तक करके रखा हुआ है जहां तक लिरिक्स है। तो गाइस फाइनली यहां पर हमारी जो वीडियो है ना बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है, देख सकते हो। अब हमने बस एक चीज और करना है गाइस, यहां पे लिरिक्स पे क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लेना और जितने भी लिरिक्स होगा क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से इधर भी क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। सो गाइस इधर भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो सभी लिरिक्स पे आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाली इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा। तो गाइस कुछ इस तरह से जैसे आप सभी लिरिक्स पे इफेक्ट ऐड कर लोगे ना तो आपकी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना और फाइनली यहाँ पर शेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।